नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 25th ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बाइसेल लेवल्स बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ, गान लेवल से लेटर फिबोनाची और दो तीन सेट ऑफ बाइसेल लेवल्स और 100 डे ईएमएस स्ट्रेटजीज, पिवट पॉइंट, इंसर्ट दबार, NR4, NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारा चीज़ दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रेटजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो ये जो फाइल है इसका कैसे स्क्रीनिंग करता है, ये इस्तेमाल करके आप लोग कैसे यूज़ किया जाए, आप लोग आसानी से प्रॉफिट हो जा सकता है इसको, हाउ टू स्क्रीन और हाउ टू इसका मतलब हाउ टू स्क्रीन और कैसे यूज़ किया जा सकता है उसका, हाउ टू यूज इट, तो ये सब वीडियो है, वो भी आप लोग देख लीजिए। और इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को दिया जाएगा, वो भी आप लोग देख सकता है। इसका यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिया जाएगा और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ, उसमें भी ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को दिया जाएगा। तो देखिए, और जो लोग निफ्टी सॉरी एलिस ब्लू आस्था ट्रेड अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग में ज्वाइन होना चाहता है तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उधर से आसानी से ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए, मैंने इधर निफ्टी का निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, निफ्टी का मतलब डेली चार्ट। तो इसमें देखिए, ये एक दोजी टाइप का कैंडल होना है आज, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, ये दोजी टाइप का कैंडल होना है। तो ये आज 7511 तक ये नीचे आ गया था, इसका आज फिर से एक बॉटम हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा 8036 तक तो ये हाई गया था, उसके बाद 7008 रिकवरी करके 7801 में ये क्लोजिंग दिया था। तो नेक्स्ट मतलब लास्ट सेशन में फिर से इसका गिरावट आया था 7973 या ऐसा कुछ लेवल से, ये फिर 7801 में रिटेस होकर ये क्लोजिंग दिया है। तो इसका अपर लेवल में हम लोग पहले सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, कहाँ पर सपोर्ट लेवल है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल देख लेता है इसका एग्जैक्टली जो है, ये कुछ 7793 में आप लोग रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं। उसके बाद 7985, उसके बाद 8360, उसके बाद 8560 का तक इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। और ये जो चैनल है इसका, तो ये मिड चैनल का नीचे ही है, ट्रेंड भी डाउन पे चल रहा है। और इधर नीचे वाला जो सपोर्ट दिख रहा है, इधर 7409 पे इसका सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 7208 में सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 6833 से इसका सपोर्ट बनेगा। इसका जो चैनल देख रहा हूँ तो इसमें इसका ये 7985 में रुक सकता है, उसके बाद फिर 8560 में रुक सकता है, उसके बाद फिर और भी ऊपर जा सकता है। और नीचे वाला जो ये 6800 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें भी ये रुक सकता है। तो इधर देखिए, इसके बाद मैंने इसका 7500 तो नीचे गया, 6200 का लेवल भी ये अचीव का हो सकता है, 6200 या 5593, उसके बाद 4600 का लेवल, 4646 इसका जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, उसका नीचे जाएगा तो ये बहुत ही नीचे गिर सकता है। और लगता नहीं है कि इतना ऐसा बॉटम आउट होगा, क्योंकि इसके बाद मैंने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे इसका, उसके बाद मैंने थोड़ा सा 30 मिनट का चार्ट एक बार देख ले दिखा देता हूँ आप लोग को। इसमें 30 मिनट का चार्ट में जो दिखाता है, नहीं है छोड़िए, वो अभी इधर मैंने लगाया था उसके बाद उठा दिया। एनीवे, तो वीकली और मंथली चार्ट मैंने एनालिसिस करने का कोशिश करूँगा। ये तो आज देख सकते हैं आप लोग, गैप डाउन ओपन हुआ था,
इतना नीचे ओपन हुआ था। इधर से रजी और ऑलमोस्ट रजी ये गैप डाउन दे रहा है इधर से, तो ये देखिए इधर गैप डाउन हुआ था, इधर गैप डाउन हुआ था, उसके बाद फिर ये इतना गैप डाउन हुआ था। तो देखते हैं, चलते हैं चार्ट को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो कहाँ से स्विंग आई हुआ था और कहाँ से ये कहाँ से इसका स्विंग लो बना था और कहाँ पर ये गिर सकता है ये, और ऑलरेडी देखिए इसका वीकली चार्ट में जो दिखा रहा है वीकली चार्ट में, तो ये 7511 तक तो ये आ चुका है, मतलब इसमें इसका बॉटम हो चुका है, मतलब इस लेवल पे, इस लेवल पे जो दिख रहा है 7500 का लेवल, इस लेवल पे लगता है इस लेवल पे इसका बॉटम आउट हो चुका है। इसका जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है तो इसका 6960 या 6900 पकड़िए, मतलब 7000 का लेवल, 7000 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इधर भी एक दिख रहा है, इधर 7600 का 7960 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद देखिए इधर और कितना गिर सकता है उसके, इसका जो बॉटम आउट जब हो जाएगा इसका, तो इसका जो नेक्स्ट बॉटम आएगा इसमें 6200 तक ये आ सकता है, और उसके बाद ये 6200 का नीचे ये 5000 इसमें इस लेवल तक ये इधर जो सपोर्ट है इस लेवल तक आ सकता है 5039, उसके बाद ये 4600 का लेवल अचीव हो सकता है, मतलब इधर से बॉटम आउट हो सकता है। उसके बाद फिर शायद नहीं जाने का, उधर से बॉटम आउट होने का चांसेस लगता है। तो मंथली चार्ट भी एक बार देख लेता है। देखिए इधर से जब पहले जो हम इधर से 2016 से देखिए, इधर 2016 से देखिए इसका बॉटम आउट हुआ था 6500 का लेवल पे, ठीक है 6000 सोच सकते हैं हम लोग, 6000 हाँ ये ऊपर की 7035 सॉरी 7000 का लेवल पे इसका 2001 मार्च 2000 जो इधर दिख रहा है, तो इस इधर बॉटम आउट हुआ था इस कैंडल में 7035 इसमें लो दिखा रहा है, तो इसका तो इसका आने का चांस है। इधर देखिए एग्जैक्टली 2016 होता है, उसके बाद 2020 में, मतलब पुकर स्क्वायर जो होता है, मैंने गन स्क्वायर का बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये देखिए लगभग 4 साल का में फिर से ये इसका बॉटम आउट हो रहा है। उसके बाद फिर से देखिए 2012 में इसका जो हुआ था इधर से इसका फिर इधर देखिए इसमें जो बॉटम हुआ था 2012 का, हाँ 2012 में जो बॉटम आउट हुआ था, इधर का लेवल है 4600 का लेवल इसका ऑटो आउट हुआ था, उसके बाद 2016 उसके बाद 2020, तो इसका आज जो आप लोग देख सकते हैं 2008 से ठीक एग्जैक्टली 12 ईयर्स बाद ये इसका करेक्शन, मतलब करेक्शन के लिए आ रहा है। तो इधर एक मतलब साइकिल को मान ले, मतलब आप लोग को साइकिल को जो चल रहा है तो इसमें इंडिकेट करना चाहता हूँ। तो इसका जो ऑटो आउट हुआ था एक्चुअली 2000 का आसपास इसका बॉटम आउट हुआ था 2008 में, लगता नहीं है कि ये नीचे इतना नीचे आएगा, क्योंकि देखिए इधर से जो 2008 से मैंने एक साइकिल को पकड़ूंगा, देखिए इधर से 1 2 3 4 इसके बाद ये 5, तो 5 का करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इधर देखिए उसके बाद इसका जो करेक्शन का जो मतलब ये जो ऐसे करके ये अप ट्रेंड ले लिया था 2008 से मैंने पकड़ूंगा, तो अप ट्रेंड से जाने के बाद ये इसका फर्स्ट जो करेक्शन का जो है एक जो वेव होता है, मैंने इलियट वेव का बात कर रहा हूँ। तो देखिए मार्केट में जो फिगुरेसी इलियट वेव
गन का साइकिल में कुछ लोग तो ऐसे स्पाई सेक्शन में बिलीव करता है, ठीक है, कुछ लोग को इसको बिलीव नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें इसमें गन टाइम एंड प्राइस स्क्वायर एंड फीवर 80 टाइम एंड प्राइस एंड इरेटिव टाइम प्राइस में मेरा थोड़ा सा भरोसा है, तो इसमें देखता हूँ मैंने मैजिकली काम करता है, तो इसीलिए आप लोगों के सामने जस्ट एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूँ और कहाँ पर बॉटम आउट होता हो सकता है और कितना टाइम ला सकता है वो भी मैंने एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद देखिए जो इधर से जो फाइव का जो है, फाइव का जो रिप्लेसमेंट का जो लेवल है, तो मैंने 2008 से पकड़ूंगा तो एग्जैक्टली 12 ईयर सकता ही है गन का लेवल पे। ये 12 एक मतलब 12 और 12 का मल्टीपल एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है गन का। तो इधर देखिए 2008 से मैंने ये इसका फाइव लेवल मतलब जो हार्मोनिक पैटर्न या इलियोटाइप आप लोग जो कुछ भी बोल सकता है, तो इसका करेक्शन का जो लेवल है ये ए का ओनली ए वेव ए का करेक्शन हुआ है। वेब बी और वेब सी का जो और का करेक्शन आएगा, वेब बी में थोड़ा सा इसका वेब ए का करेक्शन जो देखिए लगभग 2500 का नीचे बॉटम आउट हुआ था, उसके बाद 10430 तक मतलब लगभग 10200 का जो लगभग इसका जर्नी था मतलब अपटेंड का जर्नी था साइकिल में। तो इसका देखिए फर्स्ट एका करेक्शन में ये ऑलमोस्ट 0.382 मतलब 38.2% इसका गिरावट आएगा, तो ऑलरेडी हो चुका है मतलब सोच लीजिए लगभग 4000 का पॉइंट जो होता है 8000 में, तो ऑलरेडी ये इसका नीचे आ गया है ये। उसके बाद फिर से एक कुछ रिट्रेसमेंट हो सकता है बी का लेवल तक, उसके बाद बी का लेवल में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है 8000 तक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो आज ही दिया है ऑलरेडी, गिरावट होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाएगा इसका। उसके बाद जो 1.68% ऑफ जो इसका जो सी का जो करेक्शन हुआ है उसका 1.618% तक ये आ जाएगा, तो वो आप लोग प्रोजेक्शन करेंगे तो लगभग ये इस लेवल पे मतलब 4600 का 46 का लेवल में इसका बॉटम आउट हो सकता है, या इसका आसपास या कुछ ऊपर या कुछ नीचे इसका बॉटम आउट हो सकता है, उधर से रिट्रेसमेंट फिर से आने का चांसेस है। और इधर मैंने इसको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग गान का जब 360 डिग्री एनालिसिस को देखेंगे तो इधर देखिए फर्स्ट साइकिल में ये 7232 का लेवल दिखा रहा है, उसके बाद 7232 का जो लेवल दिखा रहा है उसके बाद 6800 का लेवल है, उसके बाद इसका लेवल है 6428 और 5650 और इसका बीच में ये 8200 तक रिक्टेस दे सकता है, इधर 9000 तक रिक्टेस दे सकता है, उसके बाद 9700 तक ये मूवमेंट दे सकता है। और इसमें और भी मैंने लेवल दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, तो इसमें आप लोग को मैंने जो कैलकुलेट करके रखा है एक्सेल फाइल में वो भी लगभग मिलता जुलता है इधर से। तो देखिए इधर जो गान का कैलकुलेशन है ये वोलेटिलिटी बेस्ड है, वो और भी अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि जब वोलेटिलिटी को लिंक होता है वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डिविजन, तो इसका मतलब फील मतलब करंट जो वोलेटिलिटी चल रहा है उसका देखिए, पहले तो इसका 7600 का लेवल ये दिखा रहा है, उसके बाद 360 डिग्री सॉरी ये एंगल का है, ये गन एंगल का कैलकुलेशन है आप लोग देख सकते हैं, और ये है डिग्री फैक्टर डिग्री का कैलकुलेशन, तो डिग्री का जो है ये 360 डिग्री इसका फिलहाल ये आप लोग को दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने इधर से दिखाना चाहता हूँ कि ये कौन सा डिग्री पे है निफ्टी और बैंक निफ्टी
आप लोग को पूरा फाइल दे देता हूँ और वैसे लेवल दिखाने का टाइम भी मैंने इंडिकेट करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए 193 डिग्री में है और ये मैग्निफी 277 का डिग्री में है, तो इसका जब 360 डिग्री जब ये कैलकुलेट कर मतलब कंप्लीट करेगा तो इसका लेवल कहाँ पर आ सकता है। देखिए इधर 7222 और 15461 इसका 360 डिग्री फर्स्ट साइकिल में कंप्लीट होने वाला है। तो इधर भी देखिए ये जब थी से ये भी लगभग 7232 और 16056 ये थोड़ा सा मतलब नज़दीक हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ हर एक आदमी अभी मतलब कितना में निफ्टी और कितना गिरावट हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है, तो ये तो थोड़ा सा मैथमेटिकली और साइकिकली मतलब मैंने कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए कि इसका बॉटम आउट कहाँ पर हो सकता है, मतलब हिस्टोरिकली जो प्राइस प्रोजेक्ट करके उसका कैसे निकाला जा सकता है मैथमेटिकली, तो इसीलिए हम लोग को इधर से दिखाना चाह दिखाया। और इसके बाद देखिए बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस करूँगा डेली चार्ट में, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ और निफ्टी को फॉलो करेगा और बैंक निफ्टी में गिरावट की ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप लोग आज देखिए मैंने इधर इधर बॉटम आउट हो सकता है। आप लोग जानता है कि इधर फिर से 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कोरोना वायरस की वजह से, तो इसका इम्पेक्ट तो ज़रूर आएगा क्योंकि जो बिजनेस बंद रहेगा तो प्रॉफिट कमाने का, तो जब प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो और जो एम्प्लॉइज़ का वाला कुछ भी आप लोग आदमी को परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, डिमांड सब में बाहर बढ़ जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट तो मार्केट में ज़रूर आएगा। और बैंक निफ्टी का ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जब बिजनेस में लोन ई जब नहीं बिजनेस के लिए जब लोन लिया है तो उसका लोन जब नहीं दे पाएगा, प्रॉफिट मुनाफा नहीं होगा पाएगा, और जब आदमी जब पीपल जब इधर से सोच लीजिए नौकरी का जो सोच लीजिए कुछ वजह से सैलरी इतना नहीं बंद होता है, लेकिन आदमी को आप लोग समझ सकता है कुछ तकलीफ आता जाता है, तो इसका जब EMI भरना का ये सब इसीलिए जो बैंक निफ्टी का ऊपर मतलब थोड़ा सा असर ज़्यादा पड़ रहा है। तो देखिए इधर जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर से दिखा देता हूँ कि इधर पहले जो सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस मैंने पहले सपोर्ट मैंने इतना डिटेल्स में बैंक निफ्टी को क्योंकि बैंक निफ्टी को मैंने एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो निफ्टी का जब बॉटम आउट होगा और जो साइकिल में चलेगा बैंक निफ्टी भी उसी साइकिल में चलेगा, तो इसीलिए ज़्यादा सपोर्ट डिस्टेंस आप लोग को दिखा देता हूँ 17534 18278 19639 20000 तक इसका ऊपर अपसाइड में है, और ये 16173 15430 और उसके बाद 14069 तक ये आ सकता है, और इसके बाद इसका जो लेवल्स है ये 16207 का नीचे ये 12000 का लेवल तक आ सकता है, 12382 उसके बाद 14000 उसके बाद 6517, तो इतना नीचे आएगा तो मेरा फिलहाल नहीं लगता है, मतलब वो निफ्टी कितना वक्त तक गिर रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेता है कहाँ पर ये इसका निफ्टी जब चलेगा निफ्टी जितना तक गिर सकता है उसका हिसाब से ये इसका वोलेटिलिटी जितना है तो उसी का हिसाब से ये चलेगा। तो ये फिलहाल इसका डेली वोलेटिलिटी आप लोग को दिखाता हूँ, फिलहाल जो डेली वोलेटिलिटी इसका चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो उसको एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ निफ्टी का चल रहा है 4.63 डेली वोलेटिलिटी और 5.50, और इसका जब मतलब लास्ट प्राइस का हिसाब से जब करेंगे तो इसका डेली मूवमेंट कितना हो सकता है वो भी
इधर से आप लोग को दिखेगा, ये देखिए 361 इसका स्टैंडर्ड मूवमेंट होता है और 941 लास्ट प्राइस का बेसिस पे इसका जो वोलेटिलिटी कैलकुलेशन इसका 941 बैंक निफ्टी का। तो एनीवे तो देखते हैं इसका कहाँ पर हो मंथली चार्ट में, इसका कहाँ पर रिटेस्ट हो सकता है। इधर एक बॉटम है इसका 13,000 मतलब 14,000 का आसपास, उसके बाद 12,382, उसके बाद 10,000, उसके बाद ये इसका नीचे आऊँगा। तो इसका देखिए ये जो फिबोनाची लेवल्स है, अब लोग देखिए मार्केट में ये प्राइस एक्शन कुछ भी हो ये सब लेवल्स मतलब फिबोनाची गन इलेक्ट्रोप से साइकिल से ही चलता है। तो देखिए इधर 7,500 का लेवल पे नीचे आया था, ये 2012 में इसका बॉटम हुआ था ऐसा। उसके बाद 2008 का जो लेवल था इसमें ये गिरावट हुआ था ऑलमोस्ट 3,400 का आसपास, जब निफ्टी का 2,500 तक गिरावट हुआ था। तो इतना मतलब 2008 का बॉटम तो नहीं लगता है, लेकिन वो जो 2012 का जो सपोर्ट लेवल है उसका 4,600 या उसका आसपास मेरे ख्याल से ये उधर से बॉटम आउट होने का चांसेस है। क्योंकि क्यों होगा आप लोग को गन स्क्वायर और इलियट वेब से और फिबोनाची का लेवल दिखा के मैंने सब मतलब एनालिसिस करने का कोशिश किया हूँ। तो देखिए मैंने एक बार ऑप्शन चेन को दिखा देता हूँ। इसका जो ये कौन सा है बैंक निफ्टी, निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो निकला था मैंने 0.90 के आसपास है। इसका पीसीआर रेशियो 0.90 है और इसका जो 7-8,000 का इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और इधर 7,500 में इसका सपोर्ट बना है, 7,500 में सपोर्ट बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा अप जाने का। तो ये अप जाने का करेक्शन होने वाला ही है, वेब ए से वेब ए जो गिरा है उसके बाद वेब बी में थोड़ा सा अप करेक्शन होगा, ऊपर फिर से ऊपर जाके 1.618% सी का गिरावट आएगा। तो उसी का हिसाब से यह और ये जो जो पुल बैक है वो जो थोड़ा सा दिख रहा है ये थोड़ी शॉर्ट टाइम स्पैन में ये दिखने का मिलता है, शॉर्ट टाइम स्पैन में ये होगा। लेकिन मेन ट्रेंड में अभी तक इसका मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है, है। और इधर बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी का पिछले रिश्ते मैंने शायद कैलकुलेट नहीं किया हो, कैलकुलेट कर लेते हैं 2,500 या ऑलमोस्ट 0.50 के आसपास होगा, और 2,500 या 5,200 या 0.50 के आसपास होगा। और इधर 18,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और 16,000 में इसका 16,000 में इसका सपोर्ट बना है, इसका इधर इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और IBB तो बहुत ही ज़्यादा है, इधर दोनों साइड में IBB बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मार्केट में वोलेटिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो और इसका एक बार प्रोबेबिलिटी को देख लेता है, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन क्या दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी देखिए निफ्टी का थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, 8,500 का थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है दो दिन का हिसाब से एक्सपायरी का डेट में, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। और मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा करूँगा, नहीं तो मेरा लोड होने का बहुत ही टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका है। और इसे और मैंने कुछ लेवल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1360 डिग्री का आप लोग नोट कर सकते हैं, 1360 डिग्री का। और इधर आप लोग को जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में है इसे कहीं पूरा मिल जाएगा, और ये इस लेवल को भी आप लोग नोट कर सकता है, ये हाई का प्राइस से लो का प्राइस से अप डाउन बोथ साइड कैलकुलेट किया है, हाई लो और पिवट पॉइंट का बेसिस पे ये सब लेवल आप लोग कैलकुलेट कर सकता है।
मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सॉरी नोटिस कर सकते हैं, और इसका ध्यान में रखेंगे तो आप लोग को काम पर सुविधा हो जाएगा। और इसका फिबोनाची का लेवल जो है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फिबोनाची और गान का लेवल जो है इधर कैलकुलेट करके रखा हूँ, तो इधर वोलेटिलिटी डिवाइस जो है तो ये भी आप लोग नोट कर सकता है ये सब लेवल। तो इसका ज़रा नोट कर लीजिए, और ये है गान का लेवल्स, ये आप लोग नोट कर सकता है। ये है एंगल का कैलकुलेशन, और ये गन डिग्री का कैलकुलेशन, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और वो एक थ्योरी आप लोग देखना चाहेंगे तो वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ, तो इसका भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं इधर से, और टाइम तो आप लोग देख सकता है, टाइम का भी सबसे भी आप लोग देख सकता है, टाइम का करेक्शन कहाँ पर आता है। ये इसका जो मैंने एक प्रोफाइल प्राइस मूवमेंट वाला है, इसका लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। R1 R2 R3 का ये इसका जब इसका लेवल जब अपडेट करेगा तो ये आप लोग को कुछ दिखाएगा ये लेवल तक, ये लेवल आप लोग को अच्छा मूवमेंट मतलब दिलाने का चांस है। तो एनीवे मैंने अभी इसका वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, तो फिर से मैंने बाइसेल लेवल दिखाऊंगा, तो उसमें अभी कुछ आप लोग को दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।